अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से वेलकम आपको बाइक लॉट के बीके की तरफ। मैं हूँ साम अहमद, आपका होस्ट। और आज हम बात करते हैं कि पैडक स्टैंड किस तरह बाइक का एडजस्ट किया जाता है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं पैडक स्टैंड की। मोस्टली आपको पता है कि पाकिस्तान में जो बाइक्स हैं, जैसे कि 70 है, 125 है, या GS 150 है, इनमें तो डबल स्टैंड का ऑप्शन होता है, लेकिन हैवी बाइक्स में डबल स्टैंड का ऑप्शन नहीं आता, जिसके लिए फिर आपको पैडक स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि इसके स्विंग आर्म के साथ लगाया जाता है, और ताकि बाइक का पूरा वेट ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उठा सके। तो मेरे पास अभी ये पैडक स्टैंड अवेलेबल है, लेकिन एक इशू ये है कि इसके साथ ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है, और मेरे पास जो पैडक स्टैंड के जो चिमटे हैं ये दूसरे हैं। लेकिन चलें उठाने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं कि पैडक स्टैंड किस तरह यूज़ किया जाता हैवी बाइक्स को उठाने के लिए। तो आपको बताता चलूं कि इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपने एक कोई साइड बिल्कुल एडजस्ट करके इसके साथ ऐसे एडजस्ट करनी पड़ती है, ताकि आप इस बाइक को यहाँ से पुश कर सकें, और बाइक जैसे ही उठाने होगा तो वो राइट साइड के उस एंगल पर खुद ही उसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। इसके लिए ये भी लाजमी है कि आपको एंगल का पहले प्रॉपर आइडिया हो कि जब आप बाइक को लिफ्ट करें तो वो राइट साइड वाले स्विंग आर्म बिल्कुल उसके साथ ऊपर बराबर बैठे। अगर वो ना बैठा तो 350 kg की जो मशीन है ये फिर आपकी सड़क पे भी गिर सकती है, नीचे फर्श पे गिर सकती है। तो उसके नतीजे आप बेहतर समझते हैं कि वो फिर बड़ी जो है ना नुकसान वाली बात हो जाएगी। इसकी बेसिक मैकेनिज्म को देखते हुए हम बाइक को एक तरफ से पुश करेंगे, दूसरी तरफ से स्टैंड को एडजस्ट करेंगे कि वो उसके ऊपर बराबर खड़ा हो जाए। फिर आपने जस्ट इस बाइक को एक बार ही दोनों तरफ से बराबर हो गया तो आपने जस्ट पीछे से हैंडल को पुश करना है और बाइक खुद बहुत स्टैंड के ऊपर आ जाएगा ऐसे। तो इस तरह आपका बाइक आराम से पैडक स्टैंड पे लगाया जा सकता है। एक बार जब बाइक पैडक स्टैंड पे लग जाए तो आप देख सकते हैं कि ये इसके जो स्विंग आर्म है जिसके होल्ड में है, तो ये आप देख सकते हैं ये अब जो टायर जो है इसका मोशन में। आपने देख लिया कि कैसे पैडक स्टैंड बाइक को लगाया जा सकता है। ये आप खुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपके लिए ये ट्रिक काम की है कि नहीं। ईजी है, कोई भी कर सकता है। शुरू में मुझे भी टाइम लगा था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।